वालेकुम कैसे हैं आप सब अच्छा सो ये तीन पर्सनालिटीज़ हैं इनकी एज पे मत जाएँ ये हर उम्र में हर जगह पे, हर तरह की एनवायरनमेंट में इस तरह के लोग मिल जाते हैं पर्सनालिटीज़ जज करें कैसे लग रहे हैं लोग क्या जजमेंट है आपकी जॉली जॉयफुल ऑब्जर्वेशन हमारी ये कि ये थोड़ा जॉली जॉयफुल इसकी लाइफ में मतलब इसको लगता है कि लाइफ में बहुत टाइम है इसको लगता है यार काश मैं खेलता लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है और ये हैं खातून जो कि खुश भी हैं टाइम भी है अचीवमेंट भी है खेलने का भी वक्त है बैलेंस है जेंडर से फर्क नहीं पड़ता रिलीजन से फर्क नहीं पड़ता कोई जैक है कोई अली है कोई सहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट द पॉइंट इज के जो तीन पर्सनैलिटीज हैं <clears throat> इन तीनों ने अपने वक्त को किसी तरह से मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ इफेक्टिंग देयर एंटायर लाइफ मेरा नाम नम्रा नासिर है और आज हमने जिन चीज़ों पे बात करनी है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं क्या है टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है अ, क्या रोकता है मैं टाइम मैनेजमेंट से और हम किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं ठीक है पहले जरा मुझे ये बताएं बैठें, बैठें, बैठें। right. बैठे 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 बोर्ड पर भी दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है, yes. ओके okay. मैंने भी स्पेलिंग रोक के ना टाइम बचाया अपना अच्छा सो so पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट क्या फ़र्क है इनमें ठीक है कि जिसने

सर बताइएगा क्यों पहले तो मैं कुछ और अर्ज करना चाह रहा हूं जरूर देखिए आप नूरा नासिर हैं पहले कुछ और हमारी टीजर थी यहां पे जी मैं चाहूंगा पहले तो आप अपनी थोड़ी सी बता दें कि आपकी स्पेशलिटी क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है हम्म हम्म फिर जो यहां पे शुरुआत में जो इनके लेवल्स क्या हैं उनके तो बारे में बात होगी हम्म हम्म तो ये क्योंकि तो ये बेसिक चीज और अक्सर मिस हो रही है

सो so, जब हम कहते हैं कि एक पंक्चुअल इंसान ज़रूरी नहीं कि वो टाइम मैनेजर भी अच्छा हो इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं आप ठीक है अगर उसको उसको एक एक मिल जाए कि उसने उसने मंथ में में ये टास्क एक एक देट्लाग एक देट्लाग में करना है तो क्या टाइम मैनेज करके अपनी तमाम बाकी के साथ hmm. ताँग ताँग किया या नहीं किया मैनेजर्स एंड टाइम मैनेजर्स गुड टाइम मैनेजर्स पंक्चुअल भी होते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में टाइम को डिवाइड करना जानते हैं क्या जरूरी है कि वो पंक्चुअल भी होंगे yes, yes. क्यों uh, वाई क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं ना उन्होंने डिवाइड कर दिया उन्हें पता कि इस टाइम स्लॉट में आई हैव टू बी हेयर सो आई अच्छा सर uh, so आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको ट्रेनिंग के एंड पे इसलिए पूरा करना चाहूँगी कि यहाँ पे लोगों का वक्त ज़्यादा ज़रूरी है तो जो डिलीवर करना है मैं वो कर दूँ क्योंकि मैं एनालाइज़ कर पा रही हूँ कि यहाँ पे लेवल ऑफ लर्नर्स क्या है आई एम श्योर कि काफ़ी सीनियर लेवल के लोग हैं और उनकी उसी हिसाब से एबिलिटीज़ हैं तो मैं अपनी ट्रेनिंग को उसी हिसाब से ही रखूँगी लेकिन अपनी एबिलिटीज मैं एंड शेयर करूँगी ठीक है मुझे लगता है कि उससे सबका टाइम बच जाएगा मेरा प्रोफाइल लंबा है वो बताते बताते

आई एम ऑलवेज बिजी मुझसे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस तरह की थाट्स कितने लोगों के माइंड में आती हैं ये इंक्लूसिव थाट्स प्रॉपर ऊपर हाथ खड़ा कर करें। जो अपने आप से कहते रहते हैं कि यार काम का बहुत स्ट्रेस है कितने लोग हैं अच्छा एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल उनको इनमें से कोई भी थाट नहीं आता सो टाइम मैनेजमेंट में आप बहुत अच्छे हैं कर, कर लेते हैं वेरी गुड वो क्या चीज होती है जो आपको इस सारी परेशानी से बचा लेती है Proper planning. Planning. Brilliant. उन उन पे आएंगे हम और जिन लोगों के ये स्ट्रेसफुल थॉट्स आते हैं उनको क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या है ये ना कहना टाइम मैनेजमेंट जी मैं की मदद से कर लेकिन अगर मैं बस एक्सटर्नल मोटिवेशन ही ना हो रही हूं मतलब मोटिवेशन में इतनी ज्यादा लेजी हो रही हूं मतलब प्रोकास्टिनेशन प्लानिंग करती भी रहती हूं उसमें एक्ट करने कर पाती और ये मोटिवेशन कैसे पता तो मैं तो इस जो मैं सेमिनार से ट्रेंडिंग थी मेरे भी जब मेरे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है मेरे पास कोई डेडलाइन होती है ये जो आपने बात की है बड़ी अच्छी बात की है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है गिने 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 गिने। और उस हिसाब से आप अपने काम को कर लेते हो प्रायोरिटाइज़ ठीक है इस पे अब हम आएंगे एंड पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस किया थोड़ा थो सा सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं हम आप इंटेंशनली काम को डिले करते हैं मल्टीपल टैब्स खुले होते हैं माइंड में काम करते करते कहते हैं पहले ये कर लू ये नहीं पहले ये कर लू होता है yes. अब जरा इसके ऊपर ना अपने आप को खुद ही मेंटली येस या नो करते जाए यू प्रोक्रास्टिनेट अच्छा नो वाले भी जरा ऊंचा बोलना नो ठीक है यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम नॉट एवरी टाइम बट समाइम्स नो वाला no. कौन है गुड no. no. yes. क्यों आपका टाइम पे कैसे हो जाता है काम पूरा द वर्ड द की वर्ड हेयर इज प्रैक्टिस अभी हम आएंगे इस पे ये जो ऊपर बात हुई ना एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रायोरिटी और फिर नीचे प्रैक्टिस इस पे हम आएंगे यू आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम्स बट कहीं ना कहीं ये फैक्टर अंदर है यू डू नॉट कम्प्लीट द इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट टेस्ट वर्क टेस्ट वर्सेज होमवर्क मेन्टेलिटी जो होती है कि भई ये जो है ये टेस्ट कल है या टेस्ट जुम्मे को है बट टेस्ट का मुझे प्रेशर बहुत है इसी तरह से अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो टेस्ट वर्सेज होमवर्क नहीं है वो है स्मॉल प्रोजेक्ट वर्सेज मेगा प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट पे वो कहेंगे यार इस पर बाद में फोकस करते हैं चाहे ये दो दिन बाद डिलीवर करना हो और मेगा प्रोजेक्ट जो महीने बाद है उसकी मोटिवेशन ही अलग होती है उसका प्रेशर ही अलग होता है जिस दिन असाइन होते हैं उस दिन से उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं काम करना शुरू करते हैं हमारा सारी फोकस सारा टेंशन उस पर चला जाता है राइट right? हम अपना इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट नहीं करते जिसको हमने प्रायोरिटाइज करना था किस तरह उस पर हम आएंगे यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट वर्क फिक्र रहती है यार काम है काम है फिक्र रहती है हाउ मेनी इफ यू फील वरीड कि यार काम है पूरा करना है ऐसे लोग यू हेट टू वर्क बिकॉज इट ड्रिंक स्ट्रेस ये ऐसे बहुत कम लोग होंगे यहाँ पे जो यहाँ सीखने बैठे हैं ना मुझे नहीं लगता दे हेट टू वर्क आई थिंक इनमें से एक भी ऐसा होगा जो काम से नफरत करता होगा काम से प्यार है तभी सीखने आए हुए अच्छा जी ये बैड रिप्यू टेट और मोस्टली लेट है कोई यू आर नेवर हैप्पी और सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस या कभी कभी आपको यार अच्छा नहीं हुआ आई कुड बेटर कितने लोग हैं यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना बहुत बेहतरीन हो जाता यू टेन टू फोगेट इंपॉर्टेंट टास्क कोई है यस वाला जिसको काम भूल जाते हैं, हैं। तो फिर क्या करते हैं उसके लिए लिखते हैं टू डू लिस्ट बनानी पड़ती है राइट यू फील टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम सो के भी उठे तो थके भी उठे पता है यार एक बोरिंग दिन फिर से स्टार्ट हो रहा है काम करना है स्ट्रेस ये वो सारा कुछ सेम रूटीन फिर एक्टिव रहते हैं बट इफ यू हैव अ पायल बर्डन ओवर यू तो फिर स्ट्रेस और एग्जॉस्ट वेरी नाइस एग्रीड यू गेट लिटल टू नो टाइम फॉर रेस्ट एंड प्ले रेस्ट एंड रिक्रिएशन भी कह सकते हैं इसको रेस्ट और रिक्रिएशन कितने लोग कह सकते हैं वसूख से कि मैं रेस्ट और रिक्रिएशन भी करता या करती हूं प्रॉपर हाथ ऊपर करें साढ़े तीन लोग अच्छा आप चार हो गए <laughs> उसका हाथ यहां पे था उसको भी खुद यकीन नहीं था <laughs> अच्छा सो so, सिर्फ तीन या चार लोग हैं जो रेस्ट और रिक्रिएशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं बाकी क्या कर रहे हैं आप लोगों में से कितने लोग पंक्चुअल हैं? आप लोगों ने खुद कहा है कि हम कभी लेट नहीं होते आप लोगों ने किसी ने एग्री नहीं किया तो फिर आप लोगों के पास रेस्ट और रिक्रिएशन के लिए टाइम नहीं है, है? है, तो है करते नहीं है हम कितने टाइम वेस्ट हो जाएगा गलत फहमी है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है जबकि ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर लाइफ है और हमने क्या नहीं किया वो अपने वक्त को डिवाइड मैनेज डिस्ट्रीब्यूट प्रायोरिटाइज वट इज नीडेड वेन यू ऑफेंस के प्रेयर स्लीप रूटीन कभी होते नमाज छूट गई क्योंकि वक्त नहीं था वो, काम चल रहा था बड़ा इसेंशियल था होता है हम में से बहुत लोगों से हो जाता है इस पे हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है और यू यू मिस योर स्लीप रूटीन भाई सोना था दस बजे बट सोए हैं रात को एक बजे क्योंकि काम कर रहे थे भाई ये सुबह उठ के फजर टाइम भी तो हो सकता था ना अगर दस बजे सो जाओ फजर टाइम उठ जाओ लेकिन नहीं एक बजे तो काम पूरा करना है फजर भी मिस सो जाएगी या उठेंगे तो इतने आवाज उठेंगे उठेंगे यार क्या जिंदगी है यू डू नॉट फील दैट यू हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ आपको लगता है कि आप एक साइकिल में हो वो देखा है एक रैट देखा वो जो उस पर क्या होता है ऐसे करके होता है व्हील उसपे यहां पे एक हाँ सॉरी

कुछ नया नहीं है आज के दिन में मीन इफ यू फील दैट हुए सॉरी फॉर्मैलिटी फॉर्मैलिटी जरूरी नहीं है मु कि यार कुछ बदल नहीं रहा कुछ ग्रोथ नहीं है कोई प्रोग्रेस नहीं है मेरी हर रोज मेरी पिछली आ, पांच साल से मेरी एक ही जॉब है एक ही तरह का काम है मैं वही रिपीट पे करता जा रहा हूँ हाँ यस रेट रेस तो एक्चुअली सीधी होती है ये वो साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं और हम तब फंसते हैं व्हेन वी डू नॉट अ कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ जो हमने अपने वक्त को उसको बेच दिया होता है जो हमें सैलरी दे रहा होता है इवन इफ यू स्कोर सिक्स आउट ऑफ टेन यू आर सफरिंग विद पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ये हमारा डायग्नोसिस है अगर इनमें से छ पॉइंट्स पे भी आपको लगता है ना कि मेरी येस yes थी दैट मीनस दैट यू लॉन्ग वे टू गो इन ऑर्डर टू मैनेज योर टाइम लोग टाइम मैनेज करना कैसे फेल हो जाते ऐसा क्या होता है ये जरा करते मैं आपको एक मिनट दे रही हूं जल्दी से वन वर्ड फाइव चीजों की लिस्ट बनाए और लिखें कि आपकी कौन से ऐसे पांच फैक्टर्स हैं जो आपका टाइम मैनेज नहीं करने देते आपको एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ वन वर्ड लिखने जुमले नहीं लिखने पूरे उर्दू में लिख लें इंग्लिश में लिखे पंजाबी में लिखे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक वर्ड लिखना है पाँच ऐसे अल्फाज पांच ऐसे फैक्टर्स जो आपको टाइम नहीं मैनेज करने देते एंड टाइम इज अप आई होप लिख लिया होगा किस किसने लिख लिया है जी बताइएगा ओके ये सारी चीजें आपको टाइम नहीं मैनेज करने देती स्टडीज नहीं टाइम नहीं मैनेज करने देती स्टडीज बीच में निकाल देते <laughs> और कौन है आप बताएं फ्रेंड्स वर्क फैमिली स्टडी फ्रेंड्स वर्क फैमिली स्टडी डिस्ट्रैक्शंस ये हमें टाइम नहीं मैनेज करने देती ओके वर्क लेजीनेस मोबाइल मोबाइल ओवरथिंकिंग इंटरेस्टिंग आप बताइए वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच और आप बताइए आप उनके पीछे हाँ जी ओके okay. आपसे पीछे हाँ जी हम्म hmm. तो सारा टाइम वहाँ पे निकल जाता है आप बताए लेजीनेस अच्छा ये ये जो हमने एलिमेंट्स बोले हैं हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मैनेज करने दे रहे राइट टाइम क्या होता है ओके okay. टाइम क्या होता है कितना ज़रूरी सवाल है और हमारे पास जवाब नहीं है हम स्पीचलेस हुए हैं वो चीज जिसपे हमने अपने काम करना तो उसको लैपटॉप कहती हूँ तो फिर है तो हमें तो कहते हैं अजल से अब तो अब तो कुछ और ही है वो तो टाइम की इंफिनिटी है इन डोमेन दैट मीन्स के टाइम परस्पेक्टिव के हिसाब से हर किसी का टाइम अलग है वो जो हमने तीन लोग दिखाए थे देखो टाइम ऐसे ही है कि अजल से लेके अब तक टाइम हैज़ बिन ये क्यों नहीं प्ले हो रही है हाँ सो सिंस द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जब भी हुई जैसे भी हुई टाइम हैज़ बिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी एक्सपीरियंस बनती है जो आपकी मेमोरी बनती है टाइम क्या है टाइम एक्सपीरियंस है यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज टाइम इट्स पासिंग बाद में ये मेमरी बन जाएगा ठीक है घड़ी तो हमने रखी हुई है डिविजन के लिए कि ये मेमरी इस वक्त के साथ जुड़ी है या इस सेगमेंट ऑफ द डे के साथ जुड़ी है अदरवाइज हर चीज़ अपने वक्त पे बनती चली जा रही है कभी अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा ना कि सन को इस टाइम पे बनना है फोर ओ तो नहीं बना ना सन उस टाइम की तो म्याद ही अलग है दैट मीन्स टाइम इज़ लिमिटलेस लेकिन हर जिंदगी के हर इंसान के पर्सपेक्टिव में टाइम अलग अलग है शायद मेरी वफात कल हो सकती है अल्लाह की मर्ज़ी तो मेरे पास वक्त बहुत कम है इनके पास वक्त बहुत ज़्यादा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अभी तक शायद तीस से ऊपर साल गुजार लिए होंगे तो इनके पास वक्त ज़्यादा है ठीक है सो अब आप ये देखें कि जितने भी राज्य हैं हर एक ने वक्त को वक्त के हिसाब से खुद को ढालने की अपनी जिंदगी को मैनेज करने की एक तरीकाकार अपनाया जिसको उन्होंने टाइम का नाम दिया वक्त घड़ियाँ बनी शेडोज थे हिस्ट्री लिखी गई हर जगह पे एक्सपीरियंसेस को कैसे किस वक्त में किस जमाने में कैसे गुजारा गया वो था टाइम सो टाइम जो है वो मेजर्ड है ठीक है लिमिटेड है बट इक्वल है लिमिटेड का मतलब ये है कि मेरे पास भी 24 घंटे आपके पास भी 24 घंटे बट मेरे पास शायद ज़िंदगी के आखिरी एक साल हो आपके पास ज़िंदगी शायद आगे 20 साल हो तो इट्स लिमिटेड बट जो वक्त है उसके असना बराबर हैं ठीक है यूनिक है? है हर एक के लिए वही बात है कि एक बच्चा जिसने एम डी की तैयारी करनी है और उसके अगले महीने एग्जाम्स आ रहे हैं वो कहेगा मेरे पास वक्त नहीं है ऑन दी अदर हैंड जिसने अगले साल एग्ज़ाम देना कहेगा मेरे पास एक साल एक महीना है सो इट्स यूनिक को टू एवरी परस्पेक्टिव जब आपको कोई सीनियर आके आप सीनियर को जाके कहते हो ना कि मुझे वक्त दें प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी हो क्योंकि तो मेरे पास टाइम नहीं है आप आराम से कहते इसके पास टाइम नहीं है पूरा दिन तो फारी बैठा था है सेठ कहीं का कुर्सी पे बैठा रहते बात हमसे नहीं करता एटीट्यूड दिखा रहा है एरोगेंट है असल में क्या होता है कि उसने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई होती है उसने अपने बिजनेस को जितना टाइम देना है उसमें अपने इंप्लॉ को जितना टाइम देना है और उस इंप्लाई का इंप्लॉय का कौन सा मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो इंप्लॉयज का क्लैश या एक इंप्लॉई जो क्लाइंट ला रहा है कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा client. जो क्लाइंट ला रहा है तो फिर किसको वक्त देगा client. इसको client. और ये जो दो लड़ने वाले हैं इनको क्या कहेगा बस टाइम नहीं है कैरेट तो फिर आप कहोगे ये उसकी फेवर करता है हमारी नहीं करता और हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा कि शायद ये चापलूसी करता है इसलिए इसको टाइम मिल गया बॉस का जबकि असल में वो बॉस के टाइम को वैल्यू कर रहा है जो बॉस का टाइम यूनिक है एंड सेम कोर्स फॉर यू यू ऑल ऑफ पेरिशेबल है वक्त ख़त्म हो जाना है ये पिछला सेकेंड गुजर गया फिर गुजर गया फिर गुजर गया अब रुक कर मेरे लिए नहीं रुक रहा इट्स पेरिशेबल ख़त्म हो जाना है एक एक सेकेंड एक एक नैनो सेकेंड इसकी मॉनिटरिंग वैल्यू भी है डू यू एग्री कैसे कोई मिसाल दें बड़ा अच्छा कोटेशन है किताबी बातें जो है ना मैं लेक्चर्स में डालती नहीं हूँ मुझे है है था। 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 ये बताएं इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्यों है साबित करें बिल्कुल हाँ पे बैक करता है इफ़ यू यूटिलाइज टाइम इन द राइट वे इट विल पे यू बैक इन द राइट वे द वे यू वॉन्ट और अगर आप टाइम को ज़ाया करेंगे तो टाइम आपको ज़ाया करेगा ठीक है एंड इट इज़ द की द की टू एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गेन आप अगर वक्त को सही इस्तेमाल करोगे तो वो आपको सक्सेसफुल भी बना देगा वक्त को गलत इस्तेमाल करोगे तो अनसक्सेसफुल भी वक्त ही बनाएगा वो कहेगा तुमने मुझे ज़ाया किया अब कोई फ़ायदा नहीं ट्राई अगेन दोबारा से टाइम को सही यूटिलाइज करो और हमारी मैंटेलिटी ये है ठीक है मैं जब कहती हूँ हमारी रॉकेट मैंटेलिटी इसका क्या मतलब है No रोड पे देख लें अच्छा शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं ठीक है यार बड़े परसपेक्टिव आ रहे हैं मैंने तो कुछ और ही सोच के तस्वीर बनाई थी दैट मीन एक तस्वीर के कई जाविए हो सकते हैं जैसे टाइम है और एक्सपीरियंस है उसी तरह हमारी परसेप्शन होती है ऑफ टाइम ये जो रॉकेट मेंटेलिटी है इसका मतलब ये है कि इंसान पाकिस्तानी स्पेशली हम लोग हम लोग जब तक रॉकेट ऐसे सकून से खड़ा हुआ है कोई मसला नहीं है जब आग लगती है फिर जाता है स्पीड में तो हम लोग जब तक आग नहीं लगती ना हम लोग काम नहीं करते हमें आदत होती है कि डेडलाइन है ना अगर पाँच दिन बाद चलो चार दिन है चलो तीन दिन है चलो ढाई दिन अभी भी है दाएं दाएं। ओहो अब है दो दिन रह गए प्रेशर बढ़े अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे पहले हम बड़ी मेहनत कर रहे थे ये ये वो रॉकेट मेंटालिटी है और ये हमारी नेचर का हिस्सा है तो हम क्या करते हैं जब आखिरी दिन पे या रात को बारह बजे आग लगती है तो सुबह पाँच बजे तक प्रोजेक्ट बन जाता है और वो सुबह आठ बजे सबमिट भी हो जाता है लेकिन फिर हम कहते हैं यार मैं इससे बेहतर कर सकता था क्या कर सकती थी तब तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होते ज़्यादा वक्त देते एक किसी ने प्लानिंग की बात की थी कि हम प्लानिंग बेहतर कर पाते प्लान कर लोगे प्रोजेक्ट को तो बन जाएगा प्लान ही नहीं करोगे हैप हैजर्ड भागोगे तो फिर वही बनेगा जो खीर में नमक डाल के दिए फिर धुआं ज्यादा निकलेगा <laughs> फिर वो जो रॉकेट ऊपर जाएगा वो नीचे भी आ सकता है वहीं से वापस ठीक है हो सकता है इसकी लॉन्चिंग जो है वही ये डेडलाइन पे हमारी ये हालत हो जाती है सो टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल मैंने हाईलाइट कर देती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है टाइम मैनेजमेंट एक दिन की बात नहीं है ये एक प्रोसेस है विच मीन्स इट हैज टू गो ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इट्स नॉट अ वन डे थिंग इट्स अ प्रोसेस दैट गोज थ्रू आउट योर लाइफ जब तक आप जिंदा हैं जिसमें प्लानिंग है अपने ही वक्त पे कॉन्शियस कंट्रोल है फिर क्या है अरेंजमेंट है एंड देन हम्म इफेक्टिवनेस है इफेक्टिवनेस क्या होती है yes, जब मुझे किसी चीज़ से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाए वो इफेक्टिव है वरना तो मैं पंक्चुअल भी हूं और मैं हर रोज सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंच रही हूँ नाइन टू फाइव पूरा पूरा बैठ रही हूँ बट मैं डिलीवर नहीं कर रही ऐसी पंक्चुअलिटी का कोई फायदा किसी को या मैं एक बिजनेस वूमन हूँ मैं अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे इन्वेस्टर को इतने टाइम तक इतना रेवेन्यू जनरेट करके देना है बट मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं निटिग्रिटीज में फंसी हुई हूँ यार लोगों का कलर अच्छा नहीं है मेरी ये प्रायोरिटी है यार हमारी मार्केटिंग में वीडियो में हमने ये एक ही ए की जगह ई लिख दी है इसको पहले रिमूव करो और ठीक करो हालांकि एज ए सी मेरा काम होना चाहिए कि यार तुम लोग काम करो आई एल वर्क ऑन द बिगर थिंग्स द प्लानिंग पार्ट द स्ट्रैटी पार्ट तो जो मेरी प्रायोरिटी गलत हो गई है तो मैं वक्त के साथ क्या करूँगी फिर मैं वक्त को इफेक्टिव नहीं रखूंगी एंड देन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी सब डैमेज होंगी टाइम जो है ना उसका एक डोमिनो इफेक्ट है यू वेक अप लेट वन डे उसके बाद हर एक चीज खराब होती है लेट ऑफिस पहुंचेंगे वहां भी बहस होगी अगर गाड़ी घर में से निकल रहे हैं बेगम ने नाश्ता नहीं दिया टाइम पे कि हम लेट उठे ना या पेरेंट्स में से किसी ने जो है वो आपको सही टाइम पे उठाई नहीं आप उनसे रहे हैं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बनती थी हमने वो नहीं देखी ठीक है हम उनसे लड़े हैं फिर हम बाहर निकल के किसी से लड़ेंगे जिससे हमने राइड ली है या रास्ते में ट्रैफिक में जा जाएंगे तो टी 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 करते जाएंगे और उसके बाद रास्ते में कोई आगे अगर स्लो चला रहा होगा तो उसको चार गाड़ियाँ भी दे देंगे ठीक है कहीं लग भी सकती गाड़ी। है गाड़ी डोमिनो इफेक्ट है जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट मैनेज टाइम वेल उसके आगे हम सब चीज़ें खराब करेंगे उस दिन की एंड इफ दैट ग्रोज टू डेज टू वीक्स टू मंथ्स फिर हमारा ये जो इंपैक्ट है डोमिनो इफेक्ट ये बढ़ता चला जाता है और वो आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट कर सकता है बिल्कुल सो लर्निंग टाइम मैनेजमेंट तीन फेजेज है सबसे पहले अवेयरनेस है क्या मतलब अवेयरनेस क्या होती है आगाही फिर है अरेंजमेंट। क्या मतलब हुआ तरतीब देना और फिर है अडेप्टेशन अमल करना पहले समझो कि हम गलत कहाँ हैं फिर तरतीब कि अब ये ये चीजें करनी है प्लान कर लो स्ट्राइट इट डाउन मेक अ स्ट्रैटी एंड देन अडेप्ट उस पर अमल करो उसको अपना लो उन आदतों को अपना लो सबसे पहले अवेयरनेस पे जाते हैं हमने भी डिस्कस किया था कि हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमें रोकती हैं ठीक है थीके? उसमें डिस्ट्रैक्शन भी हैं उसमें पोअर प्लानिंग भी है आप लोगों ने खुद बताया लैक ऑफ रूटीन है क्योंकि वही बात है किसी ने स्लीप की बात की थी किसी ने कहा था वर्क किसी ने कहा स्टडी ये क्यों है क्योंकि हमने रूटीन नहीं बनाई हुई ना हमने कोई टाइम टेबल स्केज कुछ नहीं बनाया हुआ स्कार सिटी माइंड सेट है स्कॉटिटी माइंड सेट है मेरे पास तो वक्त ही नहीं है उसके पास बहुत वक्त है क्या उसके पास छब्बीस घंटे हैं यस ई थी सो टाइम इज इक्वल बट एक्सपीरियंस इज यूनिकट हम दूसरों की घास पर नजर रखते हैं उसकी घास हरी क्यों है मेरी क्यों सूखी हुई है बट वी नो दैट द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वॉटर इट जहां पर पानी डालोगे वहीं पौधा उगेगा ना आप अगर दूसरे के पौधे को उग करके देखते रहो इसका जो पौधा है ना इसलिए उग रहा है क्योंकि उसको पानी डाल रहा है तो भैया आप भी डाल लो आपको क्या कमी है आपके पास भी वही पानी वही बीज सब कुछ वही है वही अपॉर्चुनिटी समटाइम्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है बट जनरली यू हैव एवरी थिंग दैट यू नीड एंड देन प्रोक्रेस्टिनेशन ये जी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही है और इसमें सबसे बड़ा आजकल ये बना हुआ है क्यों हाँ किसी ने वर्ड बोला था रील्स तो क्या वो यार व्हाट्सएप तो इंटरेक्शन है ना वो तो आप म्यूट कर सकते हो वो आप नोटिफिकेशंस देखते हो तो खोलते हो इंस्टाग्राम है ना विदाउट कॉलिंग खोलते हो इंस्टाग्राम पे हमारी मसल मेमोरी जुड़ी हुई है फोन खोलते ही है, निकालते हैं और इंस्टाग्राम में घुस जाते है, जाते ही मसल मेमोरी है हमारा माइंड ट्रेंड है टू गेट इनटू द एप्लीकेशन जिसमें हमें सबसे ज्यादा इजी डोप मिलता है एंड ईजी डोप यानी नशा एंड नशा क्या करता है डिस्ट्रैक्ट करता है आदि करता है और आपकी सोचने की सलाहियत को डिस्ट्रॉय करता है माउफ करता है सो so जब ये नशे आपके हाथ में सारा है सारा टाइम है डू यू थिंक कि आप इसके साथ कोई अपनी जिंदगी के साथ कोई इंसाफ कर सकते हैं क्योंकि ये नशे तो वो है जिनके ऊपर कोई आपको समझा भी नहीं सकता ये आप खुद ही खुद को समझा सकते हैं वो जो है ना मनश्यात वो तो अलग ही कहानी है भाई ये असल मनशियात है असल नशा ये है क्यों क्योंकि ये देता है इजी डोप डोपा रिलीज होता है फौरी तौर पे एक फनी रील देखी वाह भी मजा आ गया अगली अगली स्टूपिड रील देखी कमेंट किया अब मजा आ गया तीसरी देखी उसमें बंदा बुरा लगा उसको गाली भी दे दी अब मजा आ गया मजे लेने के लिए हम देखते जाते हैं देखो फिर स्क्रॉल 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 क्यों मेहनत कम लगती है कम मेहनत में ज्यादा कॉन्टेंट दिख रहा है दुनिया दिख रही है मजे आ रहे हैं मजे मजे के चक्कर में हम दो तीन घंटे उस एप्लीकेशन पर गुजार देते हैं दिन के दो तीन घंटे वही दो तीन घंटे जिसमें एक बच्चा एग्जाम दे के क्लियर करके किसी जॉब में जा सकता है वही दो तीन घंटे जिसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हो वही दो तीन घंटे जिसमें आप किसी को प्रेजेंटेशन देके उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो लेकिन आप क्या कर रहे हो बैठ के रील्स के मजे ले रहे हो ठीक है ये रील्स इस वक्त सबसे बड़ा नशे की गोली है। सबसे बड़ी एक्सटेसी है इस वक्त इस वक्त राइट right नाउ, फ्यूचर में हो सकता है बड़ी चीजें आ जाएं, ये एक बंदा है जिसका प्लान है कि नहीं, है? नहीं। है।, है।, है, है लेकिन फिर भी फिर, फिर भी फेल हुआ है अब वो बंदा है जिसके पास कोई प्लान नहीं है कौन थोड़ा बहुत बेहतर है जिसके पास प्लान है और वो फेल हुआ है क्योंकि अब उसको ये पता है कि दिस डिड नॉट वर्क और मुझे किसी और रास्ते की तरफ जाना है लेकिन जो इंसान प्लानिंग ही नहीं कर रहा उसको समझ ही नहीं आनी कि मैं अपने वक्त को कैसे बेहतर यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये है कि आप इस दायरे से निकल सकते हैं इफ़ यू हैव अ प्लान बट इफ़ यू डू नॉट अ प्लान इन लाइफ तो आप उसी में मेज़ में घूम जाएंगे और ये है अबंडेंस वर्सेस स्कॉसिटी माइंडसेट। ये फर्स्ट पे खड़े ये सेकंड पे और ये खुश नहीं है ये वही है जैसे क्लास के टॉपर और थीटे होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं मेडल वहाँ से भी मिल रहे हैं ग्रेड्स भी एटी फाइव परसेंट ले लिए हैं उनको देख के ये जो है ना ये खुश नहीं हो रहे होते इनको लगता है कि मेरे पास तो खेलने का टाइम ही नहीं है और ये बच्चा इस लेवल पे भी खुश है क्यों क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ पे काम किया है बेशक मैं थर्ड रैंक पे हूं मुझे रैंक से फर्क ही नहीं पड़ता क्यों क्योंकि मैं अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा हूं आज मैं अगर ये सोचता हूं या सोचती हूं कि आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू बी नोन फॉर स्पोर्ट्स और मैं चली जाती हूं उसमें तो मैं उससे बेहतर हूँ ना जो सारी जिंदगी सिर्फ ड्रीम करता रहे अब उसके लिए मैं क्या करूंगी कि भाई स्टडीज को मैंने देने हैं आठ घंटे लेकिन दिन का आधा घंटा सिर्फ आधा मैंने बैडमिंटन खेलनी है भाई जाके कोई क्लब ज्वाइन करना है स्कूल में खेलनी है पी टी टीचर को कहना है कि प्लीज मुझे स्पोर्ट्स में डालें इतना ही है ना फर्स्ट स्टेप ही है एंड देन यू रियलाइज कि हाँ स्टेप वाइज अगर आप चलते जाओ तो वो जो वक्त आपको शुरू में आधा घंटा लग रहा था वो आपका एक्सपैंड होता जाएगा आपको लगेगा यार ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब मैं सबसे खुश होता हूँ या होती हूँ दिस इज द पार्ट वेर आई फील ग्रोथ वो वक्त आप में से कितने लोग अभी जी रहे हैं चार साढ़े चारा थ तो आप में से कितने लोग हैं जो वो वक्त जी रहे हैं जिनको लगता है कि दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ माई लाइफ आई एक्सपीरियंस इट एवरी डे जहाँ मुझे लगता है मैं ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं खुश हूँ मैं प्रोग्रेस की तरफ हूँ बहुत कम लोग हैं आपको क्यों लगता है ऐसा हाँ क्यों लगता है कौन सा वक्त है वो दिन का कौन सा वक्त है जो आपको लगता है कि मैं खुश हूं ग्रो कर रहा हूं और क्या प्ले करते हैं क्रिकेट खेलता हूँ स्टडीज में भी खुश फील करता हूँ क्रिकेट भी खेलता हूं आपको क्या होता है कि करी तो मुझे सब होती। बिल्कुल ठीक है किसी और ने आपने हाथ खड़ा किया था मॉर्निंग वॉक करते हैं माइंड में प्रोसेस करते हैं प्लानिंग करते हैं पूरे दिन की जो पिछले दिन हुआ होता है कहते हैं अच्छा ये हो गया ठीक है गुजरने दो खैर है फ्रेश एयर है ना माइंड ऑक्सीजनेट हो रहा है सम एक्टिविटी ऑफ सम सॉर्ट कोई कुकिंग करके खुश हो जाता है किसी को खाने पकाने का इतना शौक होता है वो उसमें खुश हो रहा होता है एंड प्रोग्रेस इज नॉट सपोज टू बी कि भाई दुनिया को दिखे मेरी प्रोग्रेस ये ये भी हो सकती है कि, कि कल मुझे चाय बनानी नहीं आती थी आज मुझे दो तीन सालन बनाने आते हैं इतनी ग्रोथ भी ग्रोथ है ये भी स्किल है बहुत बड़ा लाइफ स्किल है वो ग्रोथ तो बाहर की है लिंकडिन पे दिखाने वाली है ये जो ग्रोथ है ये अंदर की है जिससे तुमने तो घर वालों को कल को खाना खिला सकते हो जस्ट स्किल की ग्रोथ है अभी जो तीन थे इसमें हमने बात की है ना कि ये ये वही है अबंडेंस वर्सेस कार्सिटी माइंडसेट के किस तरह से इनकी परस्पेक्टिव हैं और हम क्या करते हैं हम टाइम को ऐसे कहते हैं कि भाई बाद में करेंगे कर लेंगे हो जाएगा इजी लेते हैं और बिजी लोग क्या प्रोडक्टिव भी होते no, no, नेवर होते भी हैं नहीं भी होते हैं कुछ लोग हैं जो मसरूफ रहते हैं बट वो कोई आउटकम नहीं ला रहे होते जब तक डिजायर्ड आउटकम नहीं आ रहा क्या आपका टाइम इफेक्टिव है no. इतनी बात है सारी फिर बिजी रहो या ना रहो फर्क नहीं पड़ता बिजी हो और आउटकम ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं ला रहे हो तो फिर यू आर यूजलेस इसको हम बाद में करेंगे अरेंजमेंट सेक्शन पे आते हैं अरेंजमेंट सेक्शन दैट मीन्स कि अब हमने तरतीब देनी है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट टूल्स की बात कर लेते हैं बताएंगे कोई एम श्योर sure आप लोग यूज करते हैं

और क्या टूल्स हैं अच्छा वो स्ट्रैटेजी है वो तरीका है, वो अडेप्टेशन में आएगा जो हमने तीसरा हाँ डिस्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन टूल टूल बताएं स्ट्रैटेजी है तरीका है बात ठीक है बट तरीका है उसका टूल क्या है टाइम कैसे मैनेज करूं टूल्स बताओ मेरे हाथ में क्या है watch. ये नहीं है टूल आपके फोन्स में वॉच होती है और दूसरी चीज क्या होती है अलार्म क्लॉक। और तीसरी चीज होती है रिमाइंडर चौथी चीज होती है नोट्स पांचवी चीज होती है स्टॉप वॉच समाइम्स एंड देन छठी चीज होती है जिससे तारीख पता लगती है कैलेंडर वी सेट डेडलाइंस ऑन दैट ये टूल्स हैं सारे टू डू लिस्ट आपने खुद बताया मुझे बताना जब मैं कोई नई चीज पे बात करूं ये सब सीखी सिखाई चीजें हैं कैलेंडर खुद आपने बताया ये कौन करता है ये कौन कौन करता है सर इसे हाथ खड़ा करें ये देखो वेक अप वेक अप यू आर गोइंग टू बी लेट उठ भी जाओ आज पक्का मार पड़ेगी ओ भाई और इसके बाद नीचे भी होते हैं वो यहाँ लिखे नहीं हमने सबको पता है <laughs> तो ये क्यों कौन कौन करता है ये सभी करते हैं ऑलमोस्ट और जो नहीं करते क्या वो एक अलार्म पे उठ जाते हैं या उन्हें कोई जगाने आता है कोई जगाने है? पानी फेंकता है आवाज देता है पर्दे खोल देता है लाइट्स रूम की ऑन हो जाती हैं कुछ लोग होते हैं स्ट्रेटेजी तमीजदार होती है पंखा बंद कर देते हैं बस <laughs> बनने को मजबूरन उठना पड़ता है ये देखिए ये कौन सी घड़ी है किसी ने बोला ना, ना अलार्म क्लॉक क्या आपके पास ये है हां? होती थी। मोबाइल फोन बेड के कहां पड़ा होता है अक्सर तकिया नहीं होता तो नीचे क्या होता है तक फोन रखा होता है फोन के आसरे सो रहे होते ये रखना शुरू करें ऑनेस्टली बता रही हूं। और इसको बेड से मतलब मैं अगर यहां सोती हूं तो ये उस कोने में होना चाहिए इसका शोर होना चाहिए कि मुझे उठ के जाके खुद बंद करना पड़े बारे तब बारे मैं उठूंगी वो फिर उठाएंगे आपको जब बारे आपकी बारे बारे वो री होगी ना कि भाई हम क्यों भुगते हैं फिर आप उससे पांच मिनट पहले उठा करोगे तू ना तेरी मेहरबानी ये भी होगा ये री जरूरी है आपका अलार्म क्लॉक शुड बी वेरी फार अवे फ्रॉम यू नॉट नियर योर बेड ये नहीं ठप करके बन के और सो गए ये नहीं ये गलत स्ट्रैटी है और जब आप खुद को आदत डाल लोगे तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका मेंटल अलार्म एक होता है ना ब्रेन का साइकिल होता है आपकी एक क्लॉक होती है अंदर ब्रेन की उसने आपको खुद कहना यार सोने का टाइम हो गया रात को दस बजे आपको सुला देगा आप जितना मर्जी एक बजे तक जागने वाले इंसान है

कि भाई उठो फिर हम उसको कहते हैं सो जा तू भी सो जा मुझे भी सोने दे पढ़नी। तो में से पहले में आप पढ़नी। हाँ यस <laughs> <laughs> अच्छा ये भी होता है बट आप <laughs> ये देखिए कि हम लोग जब स्कूल्स में थे तो हम सबके स्कूल आमतौर पर सात बजे या आठ बजे ही लगते थे पहुंचना ही पड़ता था कब रूटीन खराब हुई जब पेरेंट्स ने छोड़ दिया उठाना कॉलेज में चले गए तब उन्होंने कहा कि तुम अपने जिम्मेदार खुद दो।, दो और हम कहते हैं कि खुद तो भाई रह रॉकेट मेंटेलिटी है जिस दिन मीटिंग आ गई आठ बजे उस दिन रॉकेट है उस दिन सारी रात नहीं सोएंगे ये नहीं सोचेंगे सुबह जल्दी उठ जाए सोएंगे ही नहीं क्योंकि हमें खुद पे यकीन है कि हम नहीं उठेंगे सुबह खुद पे इतना यकीन है लेकिन गलत साइड पे यकीन है नेगेटिव साइड पर हमने अपनी पॉजिटिव री नहीं की ना ये वॉच रखें अपने पास ये वाली नहीं नॉट दिस वन वाल। सुइयों वाली नहीं रखनी अब पता है क्यों बताएं क्यों क्यों कह रही हूँ मैं ये हाँ तो मैं तो कह रही हूँ अलार्म दूर रखो अपने आप से मोबाइल वाले फीचर आ गए अच्छा मैं क्यों कह रही हूँ डिजिटल वॉच रखो नंबर्स में और दूसरी में क्या होता है और जो दूसरी सुइयों वाली थी उसमें क्या होता है, इस पे कम है? हाँ थी। इसको इस पर डिटेल्स मिल जाती हैं इस पर आपको एग्जैक्ट टाइम दिखता है सो so, जर्मनी में आती थी, नौ के तीन मिनट पे हम पहली दफा सारे स्टूडेंट्स नौ बज के चार मिनट पर पहुंचे अपनी तरह से भागे भागे गए टाइम पे पहुंच गए और हम कह रहे हैं हाँ शुक्र अभी नौ बज के चार मिनट ही हुए हैं वो जा चुकी थी और जो वहाँ पे उनका था जिसको क्या कहते हैं मैनेजर था मैनेजर या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको गाइड था उसने कहा किधर हमने कहा नाइन थ्री पे ट्रैम आनी थी आई नहीं लेट है कहते हैं आप लेट हैं एक मिनट ट्रैम आई नाइन ओ थ्री ज़ीरो ज़ीरो पे एंड इट लेफ्ट एट नाइन ओ थ्री फोर ज़ीरो क्योंकि अगली ट्रैम आनी होती है पाँच मिनट बाद इस ट्रैम पर वो बीस सेकेंड से एक्स्ट्रा रुक नहीं सकता क्योंकि हमें इमरजेंसी के हिसाब से टाइम डिवाइड किया हुआ है कि अगर कोई आगे पीछे हो जाता है दूसरी आके लग ना जाए और हम सोच रहे नाइन ओ थ्री इतना इम्पोर्टेंट था और वो तब से वो नाइन ओ थ्री दिमाग में बैठा हुआ और हम क्या करते हैं हमें शादी कार्ड पे लिखा आता है हम कब पहुंचते हैं दस बजे नौ बजे दस बजे हॉल बंद होना होता है हम नौ तक पहुंच जाते हैं है। तो है। <laughs> हाँ लिखने <laughs> ये भी ठीक है हाँ लिखने वालों को सोच ये शहजादे एक होते टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ है टेक कंट्रोल ऑफ अदर्स लाइफ भी आ गए वेरी नाइस गुड अप्रोच ये स्टिकी नोट्स मुझे इन चीजों की आदत है क्योंकि ना मुझे वो मेंटली कलर करने का शौक है टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से कि अच्छा पिंक जो नोट्स हैं ये अर्जेंट है ऑरेंज इस तरह के हैं येलो इस तरह के और ग्रीन ऐसे इट्स जस्ट माय स्ट्रेटजी यू कुड डू ऑन योर ओन कुछ लोगों को रंग नहीं पसंद होते रंग मचाने का शौक नहीं होता वो साफ साफ रखते हैं अपने वर्क टेबल को और तरह काम करते हैं बट मुझे नज़रों के सामने टास्क लिखे हुए अच्छे लगते हैं मुझे क्रॉस करने में, में मेरी ईजी डोप होती है जब मैं टास्क क्रॉस करती हूँ वो स्टिकी नोट उतारती हूँ और ऐसे करके फेंकती हूँ मज़ा आ गया टास्क हो गया अपना ही मजा है वो टू डू लिस्ट पे टिक करने का वो इजी डोप मज़ा आ जाता है एंड इट्स वर्थ द एफर्ट बंदा कहता है यार आज अकॉम्पलिश फील कर रहा हूँ ये फोन्स में कितने लोग ये यूज़ करते हैं yes. ये क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप में से कितने लोगों के पास एंड्रॉइड्स हैं उसमें ज़रा ये ओपन करते हैं ये सेटिंग्स को ये जो ऊपर से जैसे हमारा शेड्यूल वो टाइम पूरा हो जाता है वो सारी सारी स्क्रीन को ब्लैक कर देता है सारी सो so, मेरे फोन में ये फोकस मोड के नाम से एक है उस पर दो सर्कल्स बने हुए शायद कुछ लोगों के फोन में कुछ लोगों को ऐप डाउनलोड करनी होगी ये फोकस मोड मैंने ऑन किया वो कहते हैं वर्क टाइम या मी टाइम मैं कहती हूं मी टाइम स्टार्ट अब देखना कितनी एप्लीकेशंस यहाँ पे ग्रे हो जाएंगी yes. वो कह रहे कोई जरूरत नहीं इस्तेमाल करने की और ओपन किया है फोन और एस एम एस कोई अर्जेंसी भी हो सकती है लेकिन क्या मैं इसको कभी खोलती हूँ मेरी मसल मेमोरी है नहीं है ना मेरी मसल मेमोरी में ये सारे हैं ये इंस्टाग्राम हो गया और पता नहीं क्या ठीक है वो मसल मेमोरी वाले सब मैंने खामोश कर दिए अपने आप को आदत डाल रही हूँ और फिर मैंने अपना फोकस मोड ऑन करके अपने आप को सिखाना है कि मैं कितनी देर तक फोकस मोड में रह सकती हूँ अपनी एबिलिटीज़ को खुद टेस्ट करना है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कुछ लोग स्केड्यूल के साथ सेट करते हैं कुछ लोग कहते हैं मैं जितनी देर काम कर सकूँ ना इन अपलिकेशन के बगैर उतना सकूँ जितनी देर व्हाट्सएप म्यूट करके काम कर सकूं उतना सुकून इसकी जरा आप पिक्चर ले लें इसको आपने अपने घर जाके अपने तौर पे प्रैक्टिस करना है क्या है ये और अब करना इसके साथ ही है ये भी जरा कर लें पिक्चर ले लें इसकी डेटा इस, इस तो नहीं है ये तो एक्टिवेट ही है मतलब इसको आप खुद अपने अपने तौर पे भी बना सकते हैं आप अगर माई टाइम बिंगो को सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा इजी चीज है इन में से शायद कुछ चीजें नई हो आपके लिए कुछ चीजें वही है जो आप करते आए हैं प्रैक्टिस मैं कुछ नया नहीं सिखा रही मैं सिर्फ री कर रही हूँ लेकिन जाविया बदल रही हूँ सोच का थोड़ा सा अच्छा थैंक यू अब देखें इसमें फैमिली टाइम को आपने करना है येलो उस बिंगो में स्टडी टाइम को ब्लू पेड वर्क टाइम को ग्रीन फन टाइम को ऑरेंज or और अदर टाइम्स को पर्पल और फिर देखना कि मैं अपना वक्त अपनी ज़िंदगी में कैसे डिवाइड कर रहा हूँ कितना पर्पल है जितना मैं वेलियाँ मारता हूँ या कितना येलो है जितना मैं फैमिली को टाइम दे रही हूँ कितना ब्लू है जो मैं स्टडी स्टडीज ये नहीं है कोर्स की स्टडी हो बुक रीडिंग भी हो सकती है स्टडी का मतलब लर्निंग भी हो सकता है कोई नया स्किल सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ एनी थिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी दैट्स स्टडी दैट्स लर्निंग ठीक है ये नहीं थी ओके आई होप दैट इट वर्क्स फॉर यू इंशाला और फिर देखिए आपके 24 घंटे कैसे स्पेंड होते हैं ये देखिए ये 12 से लेके रात 11 बजे सुबह 12 से रात 12 11 तक ठीक है दैट इज हाउ योर आवर्स आर डिवाइडेड फिर 11 से आगे आगे 12 ट्वेल्व ही दोबारा जाएगा ना ठीक है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो आपको ये बताएगा कि आप अपने वक्त को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो ये आपको एक बिगर पिक्चर देगा कि मेरा जनरली वक्त कैसे गुजरता है टाइम टेबल केजुअल रूटीन टू डू लिस्ट सब बाद की बात की बातें एक दफ़ा दफ़ावेलुएट तो करो अवेयरनेस में तो आओ फिर टूल्स पर आना हमारा मसला ये हम टूल्स पर आ जाते हैं डायरेक्ट या हम कहते हैं प्रायोरिटाइज करेंगे स्ट्रेटी बनाएंगे ये नहीं सोचते कि गलती कहाँ पे है ये इस तरह है कि मेरी मदद का एक शेर है वो कहती हैं गर उजागर ना हो खूबियाँ तालीम है बेकार बुनियाद हो कमज़ोर तो तामीर है बेकार ये जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन अवेयर तो करो खुद को समझ तो लो पहले नहीं हम बुनियाद नहीं बनाते हम कहते हैं बिल्डिंग पहले खड़ी करेंगे बिल्डिंग का पहले, पहले पेंट करेंगे बाद में सोचेंगे बिल्डिंग ओ हो अब तो गिर रही है वीक है दैट इज वू वी आर एज अशन अब है जी एडेप्टेशन फेज अब आती है स्ट्रैटेजी जिसपे आप लोग मुझे उस वक्त जवाब दे रहे थे जब मैं टूल्स पूछ रही थी वट स्ट्रैटेजी डू यू यूज टू मैनेज टाइम कोई बताए प्रायोरिटाइज करें फोकस्ड हो अब बताएं वो जो सारे किताबी बातें थी ना अब अप्लाई होंगी डिवाइड करें फोकस हो जाएं, तमीज करें एहसास करें लेंगे सबसे पहले काम का पहले करें जो मुश्किल काम है आखिर में करें हां ठीक है अच्छा ओके प्लानिंग डिस्ट्रैक्शंस <laughs> मैं, मैंने ये पढ़ा था कि जेट फोब भी भी यही था कि उसको प्रोक्रैस्टिनेशन से छुटकारा कैसे दिया था तो इसलिए ये था कि वास्तव में मिति थी एक सी लिस्ट बनाते हैं लेकिन हम अपने सबसे मुश्किल काम को पहले करने की कोशिश करते हैं लेकिन सबसे पहले जो काम हमें सबसे

आसान काम को करेंगे तो इससे मतलब डोपामिन ज्यादा भी होगा डिटेक्ट फ्रॉग इस तरीके से एक दैट फ्रॉग को बहुत कुछ काम कर लिया है एक दैट फ्रॉग आसान के तौर पर आसान काम एज ए रिवॉर्ड दे दिया अपने आप को एक्चुअली आई पर्सनली थिंक दैट द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन बेसिकली डिपेंड्स यस मैं सबको एक लाठी से नहीं हांक सकती हो सकता है किसी के लिए मुश्किल काम करके जो अचीवमेंट आती है वो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट है बट किसी का इतना पोटेंशियल नहीं है वो छोटे छोटे काम करके खुश होता है और फिर उसको होता है कि अब मैं बड़ा करने के लिए तैयार हूं मैं मोटिवेटेड हूं yes. तो मैं कैसे कह दू कि सारे मुश्किल पहले करो yes. या सारे आसान पहले करो सूट योर सेल्फ बट अभी जो बट है इसके बाद मैं बात करूंगी क्योंकि वो जो हमने शुरू में चीजें लिखी है ना एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रायोरिटीज उस पर हम आएंगे ठीक है मैं बातें भूलूंगी नहीं वट आर दाई आर टाइम स्ट्रैटेजीज नीडेड मैनेजमेंट क्यों चाहिए टू टू अचीव गोल्स गोल्स में स्मार्ट गोल्स की जब बात करते हैं तो पहले आता है फिर, 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 और अगर बाकी सब कुछ हो और वो ना हो टाइम पे अगर गोल नहीं मीट किया तो क्या गोल हुआ वो वो फिर गोल हो गया गोलमाल हो गया फिर गोलमाल है भाई सब गोल माल है हो गया so, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट आप जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी बना लें मेजरेबल रख लें अगर अचीव नहीं हुआ टाइम पे तो इट्स नॉट अ स्मार्ट गोल स्ट्रैटेजीज टू मैनेज टाइम हमने डिस्कस किए हैं सबसे पहले जी डीक ये जो नोइज है ना और नॉइज सिर्फ शोर नहीं होता नॉइज नजरों का भी शोर है दिमाग का भी शोर है मेंटल पोल्यूशन विजुअल पोल्यूशन सोशल पोल्यूशन इर्द गिर्द के लोग कौन है क्या वो पोल्यूशन है या वो कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या उसे चैचें कर नहीं बैठे हैं चैचे वाले लोग भी होते हैं डी क्लटर करो फिर 21 दिन की रूटीन ये तो आपने पढ़ा ही होगा ये तो कोई नई बात नहीं कर रही मैं टाइम अप कभी ये बताया आपने आपको कभी अपने आप को कहा है टाइम अप mm -hmm. नहीं कहा हमने हम कहते हैं ओश डिंग में सो गई कोई बात नहीं एक दिन और मांग लेते हैं बट हमने कभी जाके खुद को ये बोला है कि टाइम अप यू फेल्ड एंड यू फेल्ड फॉर होम फॉर योर योर हाँ यू फेल्ड फॉर योर ओन सेल्फ मिरर में देख के को यू फेल्ड मी आनी चाहिए आनी चाहिए, आनी चाहिए। <laughs> बड़ी जरूरी है, 21 क्या है? अच्छा सर ट्वेंटी वन डेज रूटीन यह है कि जब भी आपने एक कोई भी आदत अपनानी है तो उसको सबसे पहले 21 दिन तक सेम टाइम पे सेम तरीके से रिपीट करें कोई भी आदत हो सकती है जिम करना है इक्कीस दिन तक उसी टाइम पे पहुंचे उसी टाइम पे जिम करें उसी टाइम पे वापस आपने अपना डाइट ठीक करनी है आप 21 दिन तक सेम तरह का खाना खाएं जो जिससे आपकी डाइट फिक्स हो आपने झूठ बोलना छोड़ना 21 दिन तक कोशिश करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी जी जी नहीं कोई मसला नहीं ठीक है उसकी जो है उसमें तो आप आप चेंज लाना चाहते डेज पे कीजिए ठीक है ये एक तो चीज़ है डेज ठीक है सोचो ट्वेंटी वन डेज है ना ह्यूमन बायोलॉजी इस तरह की बनी है कि वो हर इक्कीस दिन के बाद उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है अब वो कौन से इक्कीस दिन है वो आपको नहीं पता लेकिन आप अपनी साइकिल खुद बना सकते हैं कि मेरी मेंटल साइकिल तो ये है बल्कि साइकिल से ऊपर आ जाओ जहाज कर लेते हैं मेंटल जहाज मेरा ये है हम सारे साइकिलों पे ही वजह से, से यहीं पे फंसे हुए सो मेंटल साइकिल मेरी ये है कि इक्कीस दिन में मैंने इस चीज को ऐसे ही रखना है मैंने इक्कीस दिन तक गुस्सा नहीं करना रिक्रिएशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस जब मैराथन में भागते क्या जिंदगी रेस है या मैराथन है रेस रेस मैराथन है <laughs> तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो मैं तो नहीं कर रही मैं तो पूछ रही हूँ रेस है कि मैराथन वसूख से कहो क्यों है गिर जाएंगे हो जाएगी या फिर रिलैक्स नहीं करोगे रेस्ट नहीं करोगे तो यू वुड समवेयर यू वुड फील एग्जॉस्टेड एंड बर्न आउट तो रिलैक्सेशन रिक्रिएशन इज इंपॉर्टेंट अभी अगर मैं सेशन तुम लोगों को ऐसे दूं कि देखें जी यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ना तो पढ़ ले मैं तो ऐसे ही तो तो आप लोग यार सलाने आइए बट मुझे भी अपने मैंने सेशन के बीच में आई केप्ट वट लेवल्स ऑफ सीरियसनेस एंड ह्यूमर ये वेव्स हैं क्यों जरूरी हैं टू कीप यू एक्टिव टू कीप यू एंगेज तो लाइफ में भी ऐसे ही है वो जो ह्यूमर का एक एलिमेंट आता है दैट इज रेक्रिएशन Here we are back to our track. That is the serious marathon that we are here for. Time management. To learn something about it. To adapt to something. Okay? Here prioritize. Okay. And in this sequence, we Please. In this sequence, we I go ahead? The pictures are not End. At log out. लॉग आउट होता है जमाने से खुद को थोड़ी देर के लिए कट ऑफ करना मी टाइम तन्हाई और सम समाइम जस्ट कटिंग आउट द पोल्यूशन बट इन अ वे मेडिटेशन हो सकती है बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम डीक लटर लॉग आउट का मतलब यह है कि जितनी टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंडेंस छोड़ो अपनी कुछ आदतें ऐसी भी बनाओ कि तुम्हें घड़ी की अलार्म क्लॉक की फोन की इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उससे तुम्हारी जिंदगी डिफाइन ना हो रही हो अपनी जिंदगी में खुद क्या कर रहे हो उससे डिफाइन कर रहे हो कि मेरी ग्रोथ है या नहीं सो so, हम लोग अपना बहुत ज़्यादा वक्त इस बात पर ज़ाया करते हैं कि अगले की लाइफ कैसी गुजर रही है ये सोचने में कंपेरिजन वेन यू लॉग आउट यू स्टार्ट थिंकिंग ओनली अबाउट योर ओन सेल्फ एंड योर ओन ग्रोथ ये वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोग हैं जो अपने के लोगों की वजह से इम्पैक्ट होते हैं आप लोगों ने खुद का डिस्ट्रैक्शन है।, है लोग सिर्फ so, जो कोई आपको कहेगा कि फलां की शादी हो गई तो आप कहोगे मैं लेट हो गई या हो गया जब कोई आपको आके कहेगा फलां को प्रमोशन मिल गया आप कहोगे मुझे क्यों नहीं मिली हमारी वो जो मोटिवेशन उस दिन की काम करने में मर जाती है या हम सोशल पे देखते हैं अच्छा फलां को अवार्ड मिल गया यार काश मुझे मिल जाता एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग डिप्राइव्ड और वो डिप्रीविएशन की जो है फीलिंग वो हमारा वक्त ज़ाया करती है क्योंकि हमारे नेगेटिव इमोशंस हमें पकड़ लेते हैं जकड़ लेते हैं नेगेटिविटी इज़ वेरी स्ट्रांग पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती वो एंड पे जीत हमेशा अच्छाई की होती है वो किताबी बात है असल में जीत नेगेटिविटी की होती है जब तक आप उसको खुद नहीं मारते उसके लिए नीड टू लॉग आउट टाइम रॉबर्स जी आपकी लाइफ में कौन से टाइम रॉबर्स हैं आपने पहले लिखा कि आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट कौन सी करती हैं अब टाइम रॉबर्स वो हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसी सोच है एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपने कहा पीपल पीपल में कौन आपने कहा वर्क वर्क में एग्जैक्टली exactly क्या चीज़ आपने कहा सोशल मीडिया सोशल मीडिया में कौन सी हरकत आपका टाइम ज़ाया करती है सोशल आप पढ़ी है सोशल मीडिया पढ़ा हुआ है तो मेरा टाइम ज़ाया नहीं कर रहा मैं क्या करूँगी तो मेरा टाइम ज़ाया होगा

या ऐसा कोलीग है जो आते ही साथ कोई ना कोई नेगेटिव खबर सुनाते हैं और मेरा पूरा दिन जो है ना वो उड़ जाता है या घर में कोई ऐसा इंसान है जिससे रोज सुबह लड़ाई होती है कोई बहन भाई हस्बैंड वाइफ पेरेंट बच्चा कोई भी हो सकता है या आपके बिजनेस में आपके इम्प्लॉई है कोई ऐसे जो आपका टाइम रॉबर है एक एम्प्लॉई है हर रोज रोना लेके आता है सर फल से लड़ाई हो गई आज सर ठमकान ने मुझे बुरा कह दिया अब आप उसके मसले सॉल्व कर लें बिज़नेस भूल दें सोशल मीडिया पे लोग लिंकड पे पोस्ट लगाते हैं बहुत अच्छी बात है इट एड्स टू योर नेटवर्क इट एड्स टू योर कम्युनिकेशन इट एड्स टू योर वैल्यू लेकिन कितना वक्त देना है मैं दो घंटे बैठती हूँ या मैं आधे घंटे में यूज करके बंद करती हूँ ओके डन हो गया मैंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल छोड़ दो सॉरी अप टू डेट रहना भी जरूरी है सो so, इसलिए लिखिए कि टाइम रॉबर कौन सी एक्टिविटी कौन से लोग हैं या कौन सी सोच है जो टाइम वाकई रॉब करती है लिख लिया बताएं एक चीज होती है नथिंगनेस कि आप बैठे हुए हैं और ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और आप ये भी नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं वो क्यों होती है ये सोचा है क्यों होती है नथिंग टू डू नथिंग टू डू योर नथिंग प्लड लैक ऑफ क्लैरिटी हमारे प्लान में नहीं है फॉर इंस्टेंस में अगर काम से ऑफिस के काम से फारि हुई हूं और मैंने सोचा मैं कि आज मैंने उस इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की एप्लीकेशन को फिल करना है तो मैं फ्री होने के बाद वो करूंगी बट अगर मेरे प्लान में सिर्फ इतना है कि ये काम से जान छूट जाए ये खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं वेली बैठ जाऊंगी कुछ नहीं करूंगी अपने दिन के जो बाकी छह सात घंटे बच्चे उसमें कुछ नहीं करूंगी खाना खा लूंगी सोशल मीडिया देख लूंगी टीवी देख लूंगी दैट्स इट और सो जाऊंगी सो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू अ प्लान इज इंपॉर्टेंट फिर और क्या है कोई और फैक्टर बताए मूड Mood. मूड स्विंग्स yes. अब मूड स्विंग का मतलब है कि जब मूड ने कह दिया कि मैंने नहीं करना तो हमने कहा ओके okay, सरकार लाइफ में करना पड़ता भी करते। है हमारा जब मूड खराब होता है तो सबसे पहले क्या होता है डस्टर किधर है मिल गया जी आउटकम मुझे yes. hmm. बताओ इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए आंखें बंद करें जरा जल्दी से आंखें बंद करें सब साथ वाले के ड्रीम्स नहीं चुराने अपनी आंखों में देखो <laughs> सबसे पहले इमेजिन द कंट्री एंड लैंडमार्क यू वांट टू गो टू अब आप सोचो कि आप अलामा इकबाल एयरपोर्ट पे खड़े हो आपके लेफ्ट हैंड में ट्रॉली बैग है उसकी ट्रॉली का हैंडल है ये भाई आपकी ट्रॉली नहीं है छोड़ दो इसको और राइट हैंड में आपका टिकट है और पासपोर्ट है और उस टिकट के ऊपर आपको कंट्री का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और वो शहर जहां आपने जाना है अब आप सामने देखते हो नजर उठा के तो बोर्ड है जहां पे लिखा हुआ है कि यू कैन रीच दिस टर्मिनल क्योंकि बोर्ड में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है आप चलना शुरू करते हैं टर्मिनल से जाते हैं प्लेन के एंट्रेंस पे आपको एयर होस्टेस एंड एयर होस्ट वेलकम करते हैं आपको आपकी सीट तक लेकर जाते हैं आप बैठते हैं सीट बेल्ट बांधते हैं वो इशारों शारों से समझाते हैं भाई कूदना नहीं यहाँ से या वोल्टी हरकतें मत करना उसके बाद आप लोगों को खाना सर्व होता है इवेंचुअली वो फ़्लाइट ख़त्म होती है एंड यू लैंड टू तो दैट कंट्री वर यू वॉन्ट टू बी वहां जाके आपको एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं आप चलते हुए जा रहे हैं और आप एक टैक्सी लेते हैं या इन ड्राइव या उबर या कुछ भी जो मिल जाए क्रीम मिल जाए आप वो लेते हैं और वहाँ से उधर पहुँचते हैं जिस लैंडमार्क पे आपने जाना था अब आपको वो दिख रहा है आप उसके सामने हैं आप अपना फ़ोन खोलते हैं आप कैमरा ऑन करते हैं सेल्फी लेते हैं और क्या कि फिर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मेरी पिक्चर ले दो आपकी पिक्चर लेते हैं अब आप पिक्चर देख रहे हैं और उस पिक्चर के सामने अपने आप को देख रहे हैं कि भाई मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जिसका मैंने ड्रीम किया था ओपन यूराइज उस <laughs> खाबों की कोई मियाद नहीं होती ना बाकी घर जाके देखना <laughs> किधर पहुंचे <जाते> थे आप लंडन <laughs> कैनेडा मक्का टाइम स्क्वायर मक्का हुआ ही नहीं टिकट खरीद रहे थे यार आप न्याजी तो नहीं चले गए थे डेवो <laughs> किधर तक पहुंचे थे तरतीब में नहीं आ रहा कहां तक आया था कुछ नहीं आया बस नहीं पहुंच गए थे एयरपोर्ट तक पहुंचे थे एयरपोर्ट पहुंच गए थे आप कहां गए थे आप कहां गए थे टिकट नहीं मिला यार डेवो सर्विस नहीं जाना था अलाम आबाद एयरपोर्ट जाना था आप कहां पहुंचे इटली कितनी देर लगी है जाने में तो से कुछ सेकेंड दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन दैट्स द पावर ऑफ थिंकिंग ऑफ द आउटकम हम आमतौर पे एक्शन लेते हैं थॉट एक्शन आउटकम करके जबकि असल में होता है थॉट से पहले जाओ आउटकम की तरफ थोड़ा प्लान कर लो थोड़ा स्ट्रेटजाइज कर लो ताकि वक्त बचे एनर्जी बचे रिसोर्सेज बना चुके हो फिर वापस थॉट पे जाओ और एक्शन लो आउटकम तो आ ही जाएगा सो इट्स नॉट टी ए ओ, इट्स टी ओ टी तोता बोलो टोता तो बोलो जो मर्जी बोलो टी ए, थॉट, आउटकम सोच लो फिर थॉट पे वापस जाओ और फिर एक्शन लो एंड पे आउटकम आ ही जाएगा बट वेन यू डू नॉट थिंक ऑफ द आउटकम एंड यू टेक एन एक्शन एंड देन सी आउटकम फिर आप कहते वो हो मसला हो गया मोस्ट ऑफ अस गो दिस वे करना है कैसे करना है नहीं सोचते क्यों करना है नहीं सोचते हम अपने वाय हाव पे जाते ही नहीं हम वट पे जाते हैं और फिर लेट्स डू इट पे जाते हैं पहले कहते हैं वट टू डू फिर कहते हैं वट हैपन्ड <laughs> वो कहते हैं ना कि क्या करना है फिर कहते हैं ऐसा वाई स्ट्रोंग नहीं होता राइट एंड दैट वेस्ट आर टाइम हम फिर एक्शन ले लेते हैं फिर सोचते हैं यार चार साल एक डिग्री में जाया कर दिए क्यों गए थे क्योंकि अब्बा जी ने कहा था आउटकम नहीं सोचा कि मैंने ये बनना है या नहीं सेम गो फॉर सिलेक्टिंग जॉब सेम गो फॉर स्टेइंग इन अ अ जॉब सेम फॉर स्टार्टिंग बिजनेस सेम गो फॉर मैरिंग सम वन मोहब्बत मोहब्बत में शादी कर लेते हैं बट ये नहीं सोचते आउटकम क्या हो सकता है इज दिस पर्सन एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ इज दिस पर्सन ब्रिंगिंग प्रोग्रेस वो सारी चीज फिर आप कहते हो यार पच्चीस साल इसके साथ ज़ाया कर दिए जनरली आंटियां कह रही होती है वो कहते हैं मैंने वक्त ज़ाया कर दिया जिंदगी ज़ाया कर दी डू यू थिंक इट्स पॉसिबल अगर आपने सही इवेल्यूएट किया अपने डिसीजन को शुरू में ही आप आउटकम को पहले सोच लो तो ये सब होगा नहीं होगा ये देखिए जी छोटी सी एक्टिविटी है कि इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड ये एक नेवी के ऑफिसर है मुझे इनका नाम भूल जाता है हर दफा रॉबर्ट करके रही उस नाम है बट या स्टार्ट ऑफ बाई मेकिंग योर बेड नाम बता ही दू विलियम मैक्रेविन इनको आप सर्च भी कर लीजिएगा इनकी पूरी टॉक है इस पर इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड अगर तुम्हें तो दुनिया बदलनी है सबसे पहले क्या करो बिस्तर संभाल लो इफ यू स्टार्ट डी क्लटरिंग that दैट वेरी स्टेज एवरीथिंग एल्स विल बी और अगर पहली चीज खराब हुई तो आगे हर चीज खराब है ये अपनी इसलाह सबसे पहले करो और ये किताबी बात नहीं है वो जो ट्वेंटी वन डे चैलेंज है डी क्लट हां हाँ विलियम में रेवन मैंने बोला था हाँ विलियम मैक्रेवन इसकी आप टॉक सुनिएगा विलियम मैक क्रिस्पी बट मैक्रेवन ठीक है जी आगे चले ये कुछ तरीका कार है इसको तो आप इमेज ही ले लें बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं है दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिव्यू एवरी सिंगल डे और ये एक तरीका कार है जिंदगी का कुछ लोग रात के राही होते हैं दे डू नॉट गेट अप अर्ली बट दे गेट द थिंग्स डन यू कुड बी दैट पर्सन ये अपना स्केड्यूल बना लें कोई टाइम टेबल बना लें अगेन ये एक दिन की बात नहीं है मैं इस ट्रेनिंग से आपको ये सब चीज़ें सिखा के नहीं भेज सकती माइंड में डाल सकती हूँ एक जाविया ऐड कर सकती हूँ ये जी यू हैव अ टू डू लिस्ट यू हैव अ कैलेंडर यू हैव अ क्लॉक इन फिर आपने चूज करना है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हाट नॉट टू डू पिक करना बहुत जरूरी है और वो वॉट नॉट टू डू कैसे होता है पहले ये देखें पोमोडोरो क्या आपका ये टास्क है यू वर्क ऑन द टास्क अंटिल द टाइमर नहीं यू सेट द टाइमर कितना पच्चीस मिनट का जब 25 मिनट हो जाए तो आप क्या करोगे शॉर्ट फाइव मिनट ब्रेक और फिर आफ्टर फोर साइकिल्स जब इस तरह के चार साइकिल हो जाए 25 25 पच्चीस पच्चीस दैट मीन थर्टी मिनट ईच बन रहा है ना हर दफा पांच मिनट की ब्रेक है तो तकरीबन दो घंटे हो गए 120 मिनट हो गए नहीं <laughs> चाय हर दफा जो ही नहीं है वो तो बना हुआ है टेक अ शॉर्ट

चेंज जस्ट मेडिटेट मेडिटेट कर रहे हैं हैं रेस्ट रिलैक्स ट द बुक उठ के जाने को किसने कहा है हमारे माइंड में स्कूल वाली ब्रेक आती है ना ये बज गई बार भागो कैंटीन की तरफ कुछ खा पी किया नॉट द ब्रेक एवरी सिंगल टाइम समटाइम्स ब्रेक है इसके मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ उसके लिए मैं थोड़ी रिसर्च कर लेती हूँ लिखना साइड पे करती हूँ थोड़ी देर माइंड को declutter लेटर करती हूँ नया परस्पेक्टिव लाती हूँ या लाता हूँ। ये भी ब्रेक है मैं किसी से इस पर डिस्कशन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ ये भी ब्रेक है जरूरी के काम से ही हट जाओ वही ब्रेक है समटाइम्स काम पे रहते हुए तरीका बदल लेना भी ब्रेक है और जितना आप प्रोडक्टिव ब्रेक्स लोगे उतना आपका काम अच्छा होगा बट इफ यू स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ कि हाँ मैं पांच मिनट रील्स देख लूँ एक दफ़ा तो ठीक है बट हर ब्रेक में ये नहीं करो प्रोडक्टिव भी रखो यार जो हम प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहे थे फिर किसी ने कहा कि आसान कर लो मुश्किल कर लो जिंदगी ये वो मुझे ये बताओ जो चीज़ मुश्किल है लेकिन ज़रूरी नहीं है फॉर इंस्टेंस आपको बॉस कहता है कि भाई ये फलंदा है इस सारे का डेटा एंटर करके लाओ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन एक प्रेजेंटेशन है जो कल देनी है बहुत ईजी है लेकिन कल देनी है और वो ज़रूरी भी है क्योंकि वो क्लाइंट को देनी है अब बॉस का मुश्किल वाला काम आपने कहा मुश्किल पहले कर लो आसान पहले कर लो शायद डेटा एंट्री आसान है प्रेजेंटेशन पे क्रिएटिविटी लगती है सोचना पड़ेगा मुश्किल हो सकता है क्या करूं पहले डेटा एंट्री करूं या प्रेजेंटेशन कैसे सोचा इंपॉर्टेंट है यानी ज़रूरी है और कल है यानी अर्जेंट भी है ठीक है सो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में फ़र्क होता है ये जो डेटा एंट्री का काम है ना वो बॉस ने दे दिया कह रहे हैं ज़रूरी है, है। बॉस के हिसाब से ज़रूरी है बट वो अर्जेंट नहीं है वो हफ्ते के एंड तक दे सकते हो वीकेंड पे दे सकते हो उनसे टाइम मांग लो बट जो क्लाइंट कल आ रहे हैं उसको कह सकते हो कि भाई आप हट जाओ आपको तो मैं बाद में लूँगा मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटेशन के लिए hmm. तो वो जो थी, वो थी. Hmm. Now. Now. और इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है जैसे कि हमने बात की थी होमवर्क वर्सेस टेस्ट की टेस्ट जुम्मे को है बच्चे ने सवार कर लिए सर पे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है उसके पीछे वो कल वाला होमवर्क नहीं कर रहा ये वही मैंटालिटी है टेस्ट वर्सेज होमवर्क मैंटालिटी वो फिर क्या करते हैं वो टेस्ट पहले प्रिपेयर कर लेता है होमवर्क रह जाता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट रह जाता है हो सकता है होमवर्क इतना इंपॉर्टेंट ना होता उससे ग्रेड्स नहीं मिलने यूनिवर्सिटीज़ में होता ना असाइनमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है या एग्जाम इंपॉर्टेंट है तो बंदा कहता है असाइनमेंट छोड़ देते हैं अगर नहीं है इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट है तो फिर किसी से मदद ले लो डेलीगेट कर लो अकेले क्यों करना है क्यों सफ़र करना है और अगर कुछ भी नहीं है ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं निकाल दो डिलीट so जो उन्होंने बात की थी एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो वो मोटिवेशन इस चीज से बननी चाहिए आपकी वक्त कितना है मेरे पास इस काम को करने का वक्त कितना और ये कब डिसाइड करोगे जब आप प्लान करोगे स्ट्रेटेजाइज करोगे एंड सम टाइम्स आपको टास्क आता है ऊपर से आपको आपने खुद नहीं बनाया होता राइट क्वेश्चन right ये कब चाहिए इसकी डेड लाइन क्या है इसकी अर्जेंसी क्या है आस्क द राइट क्वेश्चन ये इसकी पिक्चर ले लें ले और खुद इवेलुएट करें कि भाई कौन सा काम इनमें से इंपॉर्टेंट है कौन सा अर्जेंट है आपने खुद डिवाइड करना है और खुद ब्लॉक्स में एड करना है कि जी वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स खुद ही बता दें इंपॉर्टेंट है अर्जेंट है या दोनों नहीं है yeah. लेकिन अगर न्यूज देखनी है नौ बजे ही आती है अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है yes. फिर शेड्यूल hmm. so, में रख लेंगे यूट्यूब पे बाद में देख लेंगे राइट सो नाउ वी आर प्लानिंग नाउ वी आर थिंकिंग दैट वे

कहना क्या चाहते हो <laughs> करोगे क्या <laughs> ये बताओ मुझे यस एक्सलेंट डेलीगेशन ये देखो इट्स सो इंपॉर्टेंट कि भाई जो बंदा प्रेजेंटेशन लेने आया है और मैं बेस्ट प्रेजेंटर हूं और वो प्रेजेंटेशन आज देनी है तो मैं जाके प्रेजेंट करती हूं या करता हूं और अपनी टीम से किसी को कहता हूं कि प्लीज इसका मसला हल कर दो या एटलीस्ट yeah, सुन लो उसे को वील गेट बैक टू यू सुन लो वो जो मसला लाया वो ऑलरेडी क्लाइंट है और जो नया आया है वो अभी आया है हमें दोनों को खुश करना है बट प्रायोरिटीज किस तरह सेट करनी है वो देखें कहीं डेलीगेशन कहीं पे डू इट नाउ ऑन योर ओन बाय योर सेल्फ ठीक है इस तरह से मतलब इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग सो इवेंचुअली यू नीड टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट लाइफ टाइम एंड अगैन अपने लिए कोई टाइम लाइन सेट करें हर तीन महीने बाद वीक लटर किया करें अपने माइंड को अपनी वर्क स्पेस वर्क टेबल अपने घर में अलमारी अपने रिलेशनशिप्स में मसाइल हर चीज को अनटैंगल करें नोट्स खोलना शुरू करें हम लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है वक्त है हम यूज ठीक नहीं कर रहे हैं फोर इलेवन हो रहे हैं मैंने आपके ग्यारह मिनट ऊपर दिए नहीं आई अपोलोजाइज कि आप लोगों को इतनी देर बैठना पड़ा था एंड थैंक यू कि आप लोग यहाँ बैठ के इतनी देर तक इस सारे को बर्दाश्त करते रहे जजाक अच्छा अब प्रोफाइल में बता देती हूँ उस वक्त पूछ रहे थे सो मेरी प्रोफाइल ये है कि आई द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 11 ईयरस और uh, मैं मास्टर्स किया सोशोलॉजी में मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से एम किया मैंने एजुकेशन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में मेरा दस कंट्रीज़ का एक्सपोजर है ऑल ऑन फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस और एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और उसके अलावा आई हैव वर्क विद एजुकेशन सेक्टर कंटेंट प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग्स सो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है दैट इज़ एजरटेनमेंट आई कॉल इट दैट इन्फरटेनमेंट या एजुर्टेनमेंट कि लोगों को सिखाते हुए उनको एंटरटेन करो तभी उनका डोप रिलीज़ होता रहेगा हो, वो एंगेज होंगे दैट इज़ वॉट आई डू इन एजुकेशन तो मैंने नियरपियर जैसी एड टेक कंपनीज़ में आई वॉज द क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर तीन साल जॉब की है वहीं पर मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं अपने से सीनियर ऑफिसर्स को uh, मैं किप्स में जॉब कर चुकी हूँ एल जी एस में टीचर रह चुकी हूँ उसके बाद मैंने स्किल्स टू डू शायद आपको पता इट्स स्किल्स बेस्ड कंपनी वहाँ पे आई वाज अ चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर उसके बाद आई ज्वाइन देवजिंग देवजिंग शायद किसी को नाम पता हो इट्स अ टेक कंपनी इन पाकिस्तान वहाँ पे भी मैं क्रिएटिव हेड रही हूँ और आई हैव स्विच्ड फ्रॉम देयर टू मतलब पार्ट टाइम एंड आई हैव स्विच फ्राम देयर टू नॉलेज स्ट्रीम्स एंड नॉलेज स्ट्रीम्स इज़ अ ट्रेनिंग कंपनी जो कि इंजीनियर्स को सॉफ्ट स्किल्स पर ट्रेन करती है ट्रेनिंग्स में मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में एपिक्स कंसल्टिंग के साथ डब्ल्यू एच ओ के प्रोजेक्ट्स के साथ अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी एंड अदर्स इन सब के साथ ट्रेनिंग्स दी हैं और या मच इट और बाकी कंट्रीज जो हैं उसमें जो स्कॉलरशिप पे हैं उसमें डार्ड की स्कॉलरशिप भी शामिल है उसमें यू एस एड की सूसी प्रोग्राम पे भी मैं जा चुकी हूँ रशिया गई हूँ चाइना गई हूँ इंडिया गई हूँ कैनाडा गई हूँ और लास्ट ईयर आई वॉज सेलेक्टेड ऑनर प्रोग्राम फॉर लंडन बट उस वक्त मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कोर्स कर रही थी विच इज़ कॉल्ड सेल्टा इट्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज है तो बस आई मिस दैट वन गोइंग देयर बट ये मेरा काम है ये मेरी लाइफ है और मेरा मिशन भी यही है टू ब्रिंग चेंज इन पीपल्स माइंड सेट दैट सेट ये मेरा मिशन है थैंक यू वेरी मच